तो हाय बच्चा लोग, मैं हूँ कौशल अहमद खान और आप मुझे देख रहे हो विटामिन बी वी फॉर बायोलॉजी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन और साथ साथ में विविपेरी के बारे में। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है कि विविपेरी और वो भी पढ़ना वाले हैं कहाँ पर, प्लांट में। और विविपेरी समझते हो ना, बच्चे देना। तो ऐसा प्लांट जो बच्चे देगा, तो वो ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर, ठीक है, इंटरेस्टिंग लेक्चर। तो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन के एंड में हम लोग इसकी बात करते चलेंगे, ठीक है। सो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो बात करी थी या बात जो एंड हुई थी वो पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट पे एंड हुई थी, और बताया ये गया था कि पॉलन ग्रेन जब एंथर से निकलते हैं, ठीक है, तो एंथर सूखता है सिंपली, और एंथर जब सूखता है तो स्टोमियम से, ये एंथर था, कुछ स्ट्रक्चर एंथर का था, ठीक है। तो एंथर में जो ये स्टोमियम था, स्टोमियम इसी को कहते हैं, इसको कहते हैं, स्टोमियम को सिंपली माउथ भी कहते हो, क्या कहते हो, माउथ भी कहा जाता है, मोनोट्यूबुल्स, ठीक है। तो यहां पर पॉलन ग्रेन डेवलप करे होंगे माइक्रोस्पोरेंजियम में, ठीक है। तो जब ये स्टोमियम रप्चर हुआ होगा, तो स्टोमियम के रप्चर होने के बाद यहां से ये पॉलन ग्रेन आजाद हुए होंगे, रिलीज हुए होंगे, ठीक है। और रिलीज जब ये हुए हैं, तो मैंने एक बात बोली थी कि पॉलन ग्रेन की दो स्टेजेस थी, एक टू न्यूक्लियेट स्टेज थी और एक साथ साथ में थ्री न्यूक्लियेट स्टेज थी। तो मैंने वहां पर ये बात बोली थी कि पॉलन ग्रेन जनरली टू न्यूक्लियेट स्टेज पे क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। और टू न्यूक्लियेट स्टेज पे जब बाहर आते हैं, तो बाहर आने के बाद क्या करेंगे, बाहर आने के बाद ये एक प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, उसका नाम है क्या, पॉलिनेशन। क्या परफॉर्म करेंगे, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में क्या होता है, तो डेफिनेशन लिख देते हैं पॉलिनेशन की, कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाए एंथर से स्टिग्मा पे, यही कहलाता है क्या, पॉलिनेशन, ठीक है। अब पॉलिनेशन की बात तो है, ठीक है, पॉलिनेशन हुआ तो ये कहां पहुंचा होगा, ये पहुंचा होगा स्टिग्मा के ऊपर, कहां पहुंचा, स्टिग्मा। और स्टिग्मा प्लांट का कौन सा पार्ट है, मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट में आप इसको देखोगे, इसको आप फीमेल पार्ट में देखते हो। तो स्टिग्मा की अगर आप बात करो, तो ये रहा स्टिग्मा, तो ये अगर स्टिग्मा है तो ये रहा स्ट्रक्चर पूरा, ये फ्लावर कुछ इस तरह से रहा होगा, ठीक है। तो ये रहा स्टिग्मा, ये रहा स्टाइल, स्टाइल मारता हुआ, और ये रही ओवरी, और इन सारे स्ट्रक्चर को मिला के, ये इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं पिस्टिल, क्या कहते हैं, पिस्टिल, या इसे को क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है गाइनोशियम, क्या कहेंगे, गाइनोशियम। तो याद पहले भी हो चुकी थी, देन अभी हम लोग फिर से यहां पर गाइनोशियम की बात कर ले रहे हैं, ठीक है। तो जो पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ था वो कहां पहुंचा आकर, वो पहुंचा आकर स्टिग्मा के ऊपर, क्या स्टिग्मा पे आया भैया, यही तो पॉलन ग्रेन बनाए थे, अब मैं बार बार स्ट्रक्चर तो नहीं बनाऊंगा। तो इस पॉलन ग्रेन में कितने न्यूक्लियस मौजूद थे, जब ये निकल के आया तो इसमें दो न्यूक्लियस मौजूद थे, ठीक नहीं थे। अब यहां पर होगा ये कि स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद ये पॉलन ग्रेन फिर से डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद आखिरी में कितने न्यूक्लियस बन जाते हैं, तीन न्यूक्लियस, और इन तीन न्यूक्लियस में दो जो होते हैं वो कहलाते हैं मेल गेमीट्स, क्या कहलाते हैं, मेल गेमीट्स, या इन्हीं को कहते हैं स्पर्म, और जो बड़ा वाला होता है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, क्या कहलाता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो अब जो एंथर की स्टेज है वो कैसी है, ये इट इज फुल्ली मैच्योर्ड स्टेज ऑफ एंथर। तो यहां तक तो बात हो गई, ठीक है। अब देखो होता क्या है, इसका जर्मिनेशन कराना है हमको, क्या कराना है, जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन मैं आपको इधर साइड में करके दिखाता हूं, ठीक है। सिंपल सा ये पॉलन ग्रेन था, तो बात हो रही थी यहां पर पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट की, देखो कैसे जर्मिनेट करा, सॉरी जर्मिनेशन की, कैसे जर्मिनेट करा। तो देखो हुआ क्या होगा, यहां पर जो ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये कैसा न्यूक्लियस था, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस था। ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या करता है कि जो इंटाइन है, अंदर की तरफ कौन सी लेयर थी, अंदर की तरफ जो है वो कहलाती है इंटाइन, बाहर की तरफ जो होती है वो कहलाती है क्या, एक्साइन। तो इसने क्या करा होगा, इंटाइन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करा, क्या करा, प्रेशर क्रिएट करा,
और हमने कहा था कि कहीं कहीं पर एक्साइन एब्सेंट होती है, उसको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं जर्मपोर। क्या कहा जाता है, जर्मपोर। पिछले लेक्चर में सारी बातें हुई थी। तो होता यह है कि इतना जब दबाव पड़ता है इंटाइन के ऊपर तो इंटाइन क्या होती, बाहर की तरफ निकल आती है, प्रोट्यूबरेंस निकल आता है, बल्जिंग हो जाती बाहर की तरफ, और धीरे धीरे ये जो न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये फर्दर और इस पे दबाव डालता रहता रहता रहा, तो क्या होता है कि इंटाइन जो होती है वो ट्यूब की तरह बाहर आ जाती, और ट्यूब की तरह बाहर आ रही है, और ये है क्या, इट इज पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन में जो ट्यूब पाई जा रही है इसको क्या नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे पॉलन ट्यूब। ठीक है, और पॉलन ट्यूब में आगे की तरफ कौन कौन सा न्यूक्लियस होंगे, आगे की तरफ वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा, और पीछे की तरफ जो दो मेल गैमेट थे ये पीछे 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 इनको फॉलो करते हुए चलते चले आते हैं। ठीक है, तो जर्मिनेशन और जो इलोंगेशन है पॉलन ट्यूब का वो कहां से होता है, वो इसी जर्म पोर से होता है। तो याद रहेगा ना कि जो पॉलन ट्यूब है वो कहां से इलोंगेट करेगी, कहां से जर्मिनेट करेगी, तो सिंपल सा जवाब है कि वो जर्म पोर से निकलेगी। ठीक है, और जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस ही क्या कर रहा है, पॉलन ट्यूब को बनाने का काम कर रहा है, इसीलिए इस वेजिटेटिव न्यूक्लियस को एक और नाम दे देते हैं, ये कहलाता है क्या, ट्यूब न्यूक्लियस। क्या कहलाता है, ट्यूब न्यूक्लियस भी कह देते हैं, क्योंकि ये ट्यूब का फॉर्मेशन कर रहा है। और अब एक सवाल है आप लोगों के लिए, यहां तक तो चले आए, कि पॉलन ट्यूब कौन से केमिकल से बनी होती है, या पॉलन ट्यूब किस चीज से बनी होती है। पॉलन ट्यूब इज मेड अप ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सवाल आपके लिए हो गया, जवाब आपको देना है। ठीक है, सेम कंडीशन, अब जब ये पॉलन ट्यूब डेवलप कर रही, तो इसको अगर यहाँ पर आप इमेजिन करके देखो, तो इमेजिन करोगे तो होगा क्या कि ओवरी के अंदर यहाँ पर ओव्यूल मौजूद होगा। क्या मौजूद होगा, ओव्यूल मौजूद होगा, और ओव्यूल के अंदर क्या होगा, इम्ब्रियो सैक होगा, और इम्ब्रियो सैक के अंदर क्या मौजूद होगा, एग सेल मौजूद होगी। ठीक है, तो उस एग सेल को फर्टाइल करने के लिए क्या चाहिए होंगे, मेल गैमेट्स चाहिए होंगे। तो उन मेल गैमेट्स को यहां तक ले जाने के लिए ही क्या बनाई गई है, ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करा गया है। और इसी पॉलन ट्यूब को एक और नाम देते हैं, इसको कहते हैं साइफोनस। क्या कहते हैं, साइफोनस। तो अगर आप इसको यहां पर देखना चाहो तो यहां पर भी कुछ इस तरह से नजर आएगी कि ये पॉलन ट्यूब लंबी होती चली गई और धीरे धीरे वहां पर मिल जाएगी। तो होगा ये कि जब धीरे धीरे ये खिसकेगा तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहां पर आ जाएगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस यहां पर आ जाएगा। ये दोनों मेल गैमेट्स कहां पर आ जाएंगे, ये दूल्हे राजा दोनों पीछे पीछे चलते चले आएंगे। तो इस तरह से इसका डेवलपमेंट होता रहेगा और ये आगे की तरफ बढ़ती रहेगी। देन अभी तो इसका जर्मिनेशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ग्रोथ जो है यहां पर पॉलन ट्यूब की, ये एपिकल है। एपिकल मतलब ये क्या हो रही है, एपेक्स से बढ़ती चली जा रही, एपिकल रीजन से, मतलब जो आगे का टिप है इसको बोलते हैं क्या, एपेक्स। और एपेक्स पे बढ़ना या एपेक्स पे जो ग्रोथ होती है, ऐसी ग्रोथ क्या कहलाती है, एपिकल कहलाती है। तो इतना तो हमको समझ में आया कि इसकी ग्रोथ कैसी है, एपिकल है। लेकिन एपिकल होने के साथ साथ कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होंगे जिस जो इस पॉलन ट्यूब के डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रहे होंगे। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, जरा देखो कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। तो उसमें जो पहला फैक्टर है ये है टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। फिर इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी जिम्मेदार होगा। इसके साथ साथ ग्रोथ हार्मोन भी जिम्मेदार होंगे, जैसे कि ऑक्सिन हो गया, जिबरलिन हो गया। इसके अलावा कैल्शियम भी होगा, और इसके अलावा बोरॉन भी होगा। ठीक है, तो इतने सारे फैक्टर्स हैं जो कि जिम्मेदार है किसके लिए, इस पॉलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए। तो अभी तक हम लोग पॉलन 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 ट्यूब करे पड़े हैं, लेकिन जरा एक बात आपको बताना चाहूंगा कि इस पॉलन ट्यूब को सबसे पहले किसने डिस्कवर करा था। तो पॉलन ट्यूब वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, बड़े सम्मान से उनका नाम लिया जाता है, इनका नाम है जी बी अमीकी। क्या नाम है, जी बी अमीकी। तो जी बी अमीकी ने कहां इसको डिस्कवर करा था, अपने घर में नहीं करा था, एक प्लांट में किया था। उस प्लांट का नाम है पॉल्ट्यूला का प्लांट। याद रहेगा ना कि द पॉलन ट्यूब वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय जी बी अमीकी इन पॉल्ट्यूला का प्लांट। ठीक है, अब पॉलन ट्यूब की बात तो
लगभग फिनिश होने वाली है, खत्म नहीं हुई है। नॉर्मली देखा जाए तो एक पॉलन ग्रेन में एक ही पॉलन ट्यूब होती है, नॉर्मली देखा जाए तो एक पॉलन ग्रेन में एक ही पॉलन ट्यूब होती है और ऐसी कंडीशन कहलाती है, अभी हमने नाम क्या बोला इसको, साइफोन या साइफोनस कहा। तो जब एक पॉलन ग्रेन में एक ट्यूब होगी तो वो कंडीशन कहलाएगी मोनोसाइफोनस। क्या कहलाएगा? मोनोसाइफोनस। लेकिन जब पॉलन ट्यूब एक से ज्यादा हो जाए तो ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे? ऐसी कंडीशन को कहेंगे पॉलीसाइफोनस। क्या कहेंगे? पॉलीसाइफोनस। सवाल तो याद है ना कि मैंने सवाल क्या दिया था, कि जो पॉलन ट्यूब है वो किस चीज की बनी रहती है, जिसको भी पता हो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना, ठीक है। तो जनरली मोनोसाइफोनस, जनरली हमने बोला तो नॉर्मल प्लांट में कंडीशन क्या रहती है, मोनोसाइफोनस रहती है। लेकिन अगर पॉलीसाइफोनस की बात करें तो पॉलीसाइफोनस कहां कहां देखने को मिलती है, कुछ मेंबर्स हैं मालवेसी फैमिली के और कुछ मेंबर्स हैं कुकुरबिटेसी फैमिली के। अगला सवाल फिर से आपके मुंह पे खींच के मार रहे हैं कि मालवेसी के कोई दो मेंबर्स का नाम और कुकुरबिटेसी के भी कोई दो मेंबर्स का नाम बताइए। इसको आता हो भैया कमेंट सेक्शन में जल्दी से मेंशन कर देना, ठीक है। अभी मालवेसी और कुकुरबिटेसी मैंने बोला, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जहां पर 10 से ज्यादा या 10 लगभग पॉलन ट्यूब पाई जाती हैं। तो ऐसे दो प्लांट मैं आपको बता देता हूं। एक प्लांट है मालवा, मालवा में 14 पॉलन ट्यूब होती हैं, और एक प्लांट है अल्थिया ALTHEA, इसमें 10 पॉलन ट्यूब पाई जाती हैं। तो ये डेटाबेस क्वेश्चन था, ये कभी नहीं बदलता, जैसा है वैसा ही रहता है। तो अब यहां पर मेनली बातें पॉलन ट्यूब की खत्म हो गई हैं। जैसे कि हमने जब पॉलन ग्रेन की बात करी थी तो उसमें बताया था कि कौन सा पॉलन ग्रेन कहाँ कितना बड़ा है और कहाँ कितना छोटा पॉलन ग्रेन पाया जा रहा है। सेम कंडीशन पॉलन ट्यूब की भी बात कर लेते हैं कि लॉन्गेस्ट पॉलन ट्यूब कहाँ होती है और स्मॉलेस्ट कहाँ होती है। तो लॉन्गेस्ट पॉलन ट्यूब की बात करें तो लॉन्गेस्ट पॉलन ट्यूब आपको वहीं देखने को मिलेगी जहां पर स्टिग्मा सबसे लंबा होगा, क्योंकि स्टिग्मा के हिसाब से तो पॉलन ट्यूब होगी, मतलब जहां पर ओव्यूल होगा वहीं तक जाएगा। तो जरा आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा ऐसा कुछ है जो गर्मी के सीजन में आता है, ठीक है, जिसकी आप लोग अक्सर मूछें बना लेते हो, भुट्टा, ठीक है। तो मेज देखा है, मेज में कितना लंबा स्टिग्मा, जो बाहर मूछें निकली होती है वो कुछ नहीं होते, वो सब स्टिग्माज होते हैं, ठीक है। तो उन स्टिग्मा के हिसाब से जरा सोचो कि पॉलन ट्यूब को कितना लंबा होना पड़ता होगा। तो इसीलिए सबसे लंबा पॉलन ट्यूब कहाँ पाया जाता है? मेज में पाया जाता है, ठीक है, भुट्टे में। इसका बॉटनिकल नेम होता है जी मेज, ठीक है। लगभग 450 मिलीमीटर लंबी इसकी पॉलन ट्यूब होती है। और स्मॉलेस्ट की बात बताएं तो स्मॉलेस्ट पॉलन ट्यूब वहां पाई जाती है। ये ऐसा प्लांट है जिसका जिसकी रूट खा लेते हो तो पूरा मुंह आपका लाल लाल हो जाता है। तो ऐसा क्या है, चुकंदर, या इसी को शुगर बीट भी कहते हैं या बीट शुगर भी कहा जाता है, जिसमें फ्यू मिलीमीटर की ही पॉलन ट्यूब पाई जाती है। तो ये पॉलन ट्यूब की बात खत्म हो गई। अब जर्मिनेशन की बात है तो जर्मिनेशन की एक दो बातें और रह गई हैं कि जर्मिनेशन या डेवलपमेंट कितने तरह का होता है, देन इसी में बात अभी आ जाएगी विविपेरी की। तो अगर हम लोग बात करें जर्मिनेशन या टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन की, तो टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन जो होता है ये भैया कितने तरह का होता है? तीन तरह का, ठीक है। अगर ये आपको तीन तरह का समझ में आ गया ना तो आपको इधर उधर किताबों में झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो पहला जो डेवलपमेंट है या पहला जो जर्मिनेशन है ये है इन वीवो। क्या है? इन वीवो। वीवो चाइना के फोन होते हैं, ओरिजिनल नहीं होते हैं, लेकिन यहां पर बात उल्टी हो जाएगी। वीवो जर्मिनेशन कहाँ होगा? ओरिजिनल प्लेस की, जहां पर हम लोग बात करेंगे। तो ऐसा जर्मिनेशन या डेवलपमेंट जो कि ओरिजिनल प्लेस पे होता हो वो क्या कहलाता है? इन वीवो। समझ में आया ना? हमने क्या बोला कि ओरिजिनल प्लेस पे जर्मिनेशन
या डेवलपमेंट क्या कहलाता है? इन वीवो। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ओरिजिनल प्लेस क्या हो सकती है। भैया आप लोगों ने देखा होगा ना कि सीड कहाँ जर्मिनेट करता है, सीड नॉर्मली जहां पर जर्मिनेट करता होगा वही उसकी ओरिजिनल पोजीशन हो जाती है। तो सीड की ओरिजिनल पोजीशन क्या है जर्मिनेट होने की? सॉइल है कि नहीं है। और पॉलन ट्यूब कहां जर्मिनेट करता है आकर? इस स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। तो सीड के लिए क्या है? सॉइल ओरिजिनल प्लेस है जर्मिनेशन की, और पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन की ओरिजिनल साइट क्या है? इस स्टिग्मा। समझ में आया ना भैया कि ओरिजिनल जगह क्या होती है? तो ये तो बात हो गई वीवो की। अब वीवो V17 हो, V18 हो, V15 हो, उससे मुझे लेना देना नहीं, बिकॉज आई एम द टीचर ऑफ बायोलॉजी, ठीक। तो इन वीवो की बात अगला देखते हैं। इन सीटू क्या होता है? इन सीटू, इन सीटू वो जगह है कि जहां पर कोई पैदा हो वहीं पे जर्मिनेट हो जाए, तो क्या कहलाएगा? इन सीटू। तो इसमें बात क्या बोलेंगे? जर्मिनेशन या डेवलपमेंट एट बर्थ प्लेस और एट दैट प्लेस वेयर इट बॉर्न, जहां पर वो पैदा हुआ। तो पैदा हुआ पॉलन ट्यूब कहां? सॉरी, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन की पैदाइश की जगह कौन सी है? एंथर में बनाए गए हैं, एंथर में पैदा हुए हैं। तो जब कभी पॉलन ट्यूब, सॉरी पॉलन ग्रेन एंथर में डेवलप कर जाए, तो ये डेवलपमेंट जर्मिनेशन क्या कहलाएगा? इन सीटू, ठीक है। और सीड कहां पर पैदा होते हैं? सीड होते हैं फ्रूट में। कहां होते हैं? फ्रूट में। तो फ्रूट में पैदा हुए, और सीड की ओरिजिनल जगह कहां थी? वो थी सॉइल। कहां थी? सॉइल। और सीड पैदा कहां हुआ है? फ्रूट में। तो जब ये फ्रूट में डेवलप कर जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? इन सीटू, ठीक है। एक बात बता देते हैं, इमेजिन, जस्ट इमेजिन कि प्लांट एक इंसान है, ठीक है। प्लांट एक इंसान है, और सीड जो है वो क्या है? ये इसका बच्चा है। क्या है? इसका बच्चा है। और बच्चा बड़ा होगा तो एक नया प्लांट बन जाएगा। सीड क्या है? एक बच्चा है। अब फ्रूट क्या है? उसके पैदा होने की जगह है। फ्रूट क्या है? उसके पैदा होने की जगह है। तो इसका एक एग्जाम्पल है जो ये आप देख रहे हो, इसका एक एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल है राइजोफोरा। राइजोफोरा, या हम इसी को बोलते हैं मैनग्रूव वेजिटेशन, देखी होगी वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो वहां पर ये देखने को मिलता है। तो होता यह है कि जब प्लांट में फ्रूट लगा होता है, जनरली क्या होता है कि फ्रूट जब गिर जाता है नीचे, सड़ता है, तब उसके बीज निकलते हैं, जर्मिनेट करते हैं। लेकिन मैनग्रूव वेजिटेशन जहां पर होती है वहां की कंडीशन कुछ अलग होती है। होता यह है कि जब ये फ्रूट पेड़ में लगा है, ठीक, पेड़ में लगा है, और पेड़ में लगे लगे ही क्या होते हैं? इनके सीड जर्मिनेट कर जाते हैं। इनके सीड जर्मिनेट कर जाते हैं। तो भैया सीड कहां पर पैदा हुआ था? सीड पैदा हुआ था फ्रूट में, और उसी फ्रूट में क्या हो गया? ये जर्मिनेट कर गया। तो डेवलपमेंट क्या कहलाया? इन सीटू। लेकिन अगर आप देखो कि ये सीड जर्मिनेट कैसे हैं, ये बच्चे हैं कि नहीं है? डेवलपिंग बच्चे हैं। तो इस प्लांट ने कंडीशन कौन सी अप्लाई करी है? इस प्लांट ने सीड को गिराया है नीचे एक अपने बच्चे के फॉर्म में। तो प्लांट ने क्या कंडीशन अपनाई? प्लांट ने कंडीशन अपनाई है यहां पर वीविपेरी। मतलब प्लांट ने क्या करा? अंडे नहीं दिए, सीड नहीं दिया, उसने क्या करा? एक जर्मिनेटिंग सीड, एक छोटा बच्चा, क्योंकि एक बड़ा प्लांट एक ऑर्गेनिज्म है और एक छोटा सा प्लांट या जर्मिनेटिंग सीड क्या? एक बच्चा है। और सीड क्या है? उसके अंडे हैं। तो उसने अंडा नहीं दिया, उसने क्या दिया? उसने पूरा बच्चा दिया। तो कंडीशन क्या हो गई? वीविपेरी। ये आपसे पूछा जाता है कि वीविपेरी कहां पर पाई जाती है? तो राइजोफोरा में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है इसको जरा हम बता देते हैं। क्योंकि अगर सिंपली, क्योंकि जहां पर मैंग्रोव वेजिटेशन होती है वहां का वाटर जो होता है नमकीन होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो प्लांट है ये हेलोफाइट्स है, नमकीन पानी में उगने वाले हैं।
और जब नमकीन पानी में आप कोई सीड डाल दोगे तो होगा ये कि बाहर का कंसंट्रेशन पानी का ज्यादा है और सीड का कम होगा, तो होगा क्या, एग्जोस्मोसिस हो जाएगी और प्लांट में क्या हो जाएगा, प्लाज्मोलिसिस हो जाएगी, प्लांट खत्म हो जाएगा, सिंपल सी बात थी। लेकिन अगर ये बच्चा पूरा बना के जर्मिनेट करके नीचे गिरेगा तो जर्मिनेट होने के बाद इस प्लांट के अंदर अपने ऑस्मोटिक प्रेशर को या ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने की टेंडेंसी होगी। देन अब ये सॉल्टी सलाइन या एरिया पे गिरने पर अब इसमें एग्जोस्मोसिस नहीं होगी या प्लाज्मोलिसिस नहीं होगा और अब ये प्लांट क्या करेगा, जर्मिनेट कर सकता है। बस ये कुछ नहीं है, एक तरह का एडॉप्टेशन है कि जिस जगह पर चीजें रहती हैं उसको अपने हिसाब से एडॉप्ट करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो ये हमारे दो डेवलपमेंट हो गए, इन वीवो हो गया, इन सीटू हो गया। ठीक है, अब हम तीसरे जर्मिनेशन की बात कर लेते हैं जिसको बोलते हैं इन विट्रो। क्या बोलते हैं, इन विट्रो। इन विट्रो में कंडीशन क्या होती है, कोई भी जगह हो सकती है, एनी प्लेस एक्सेप्ट इट्स ओरिजिनल प्लेस एंड बर्थ प्लेस। बर्थ प्लेस और ओरिजिनल प्लेस को छोड़ दो, उसके अलावा कहीं पर भी डेवलपमेंट या जर्मिनेशन हो जाए वो कहलाता है क्या, इन विट्रो। सपोज दैट कि एक सीड है, उसकी ओरिजिनल जगह क्या है, सॉइल है, और बर्थ प्लेस क्या है, फ्रूट है। तो फ्रूट और सॉइल छोड़ दो, अब इसके अलावा सीड जहां कहीं पर भी जर्मिनेट होगा क्या कहलाएगा, इन विट्रो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम दिखाएं आपको यहां पर कि सीड क्या होते हैं, कभी कभी आप अपने घर में स्प्राउट्स बनाते हो, डलिया में उगा लेते हो, देखा होगा कि घर में डलिया में ये मतलब जो सीड होते हैं ये जर्मिनेट कर जाते हैं। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड बास्केट में जर्मिनेट कर जाते हैं, तो ये किसका एग्जांपल, इनविट्रो। इनविट्रो कंडीशन क्या थी कि कोई भी प्लेस हो, ओरिजिनल प्लेस और बर्थ प्लेस को छोड़ के। ठीक है, फिर इसके बाद पॉलन ग्रेन में देखो तो पॉलन ग्रेन की ओरिजिनल जगह क्या है, स्टिग्मा, और बर्थ प्लेस क्या है, एंथर। इन दोनों को छोड़ दो, इसके अलावा कभी कभी पॉलन ग्रेन जो होते हैं, ठीक है, ये जर्मिनेट कर जाते हैं सॉइल में, कहां कर जाते हैं, सॉइल। तो सॉइल क्या था, ना ही इसका बर्थ प्लेस था ना ही इसकी ओरिजिनल प्लेस थी, तो ये क्या कहलाया, इन विट्रो। ठीक है, आप हॉस्पिटल्स के बाहर देखते होंगे कि लिखा होता होगा इन विट्रो फैसिलिटीज अवेलेबल या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, कराते नहीं कराते हैं। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं, तो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, स्पर्म और ओवम को फ्यूज कराते हैं टेस्ट ट्यूब में। जरा देखो कि वो जो जाइगोट है, अब जो टेस्ट ट्यूब में बनेगा, जाइगोट के बनने की जगह क्या थी, यूट्रस थी, यूट्रस में बनना चाहिए था, या फैलोपियन ट्यूब जो होती है, फैलोपियन ट्यूब वहां होना चाहिए था, तो फैलोपियन ट्यूब उसकी ओरिजिनल जगह थी, या उसकी बर्थ प्लेस क्या हो सकी, तो बर्थ प्लेस स्पर्म और ओवम के अकॉर्डिंग लगाओ, स्पर्म में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी और ओवम की बात करें तो वो ओवरी थी, तो या तो ओवरी में होता या तो फैलोपियन ट्यूब में होता, तो ये तो बर्थ प्लेस की बात हो जाती, ठीक है, उन गैमेट्स की, या उनकी ओरिजिनल जगह थी, ओरिजिनल जगह कहाँ थी, फैलोपियन ट्यूब, वहां पर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कहाँ ले आते, ना ही ओरिजिनल जगह पर थी ना ही अब बर्थ प्लेस पे थी, करा दिया हमने कहाँ पर, टेस्ट ट्यूब में। तो ऐसा डेवलपमेंट क्या कहलाता है, ऐसा फर्टिलाइजेशन या ऐसा जर्मिनेशन क्या कहलाता है, जो कि ना ही बर्थ प्लेस पे हो ना ही ओरिजिनल जगह पे हो, उसको कहते हैं इन विट्रो। ठीक है, तो ये बात पॉलन ग्रेन की आज खत्म हो गई है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट की, किसकी बात करनी है हम लोगों को, फीमेल गैमेटोफाइट। लेकिन जाते जाते बता देते हैं कि मेल गैमेटोफाइट में आप क्या क्या बोलोगे। ठीक है, आप एक पॉलन ग्रेन को देखते हो, उस पॉलन ग्रेन को पूरा मिला के क्या कहा जाता है, मेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट में पॉलन ग्रेन की बात करेंगे, ठीक है, मेल गैमेट्स की बात करते हैं, साथ साथ में वेजिटेटिव न्यूक्लियस की बात करते हैं, और साथ साथ में पॉलन ट्यूब की बात करते हैं। तो इन सारे स्ट्रक्चर को मिला के क्या कहा जाता है, मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। तो इस बात को अपने दिमाग में बसा लीजिएगा, मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में, ठीक है, फीमेल या फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के साथ। टिल देन बाय बाय, इस लेक्चर को रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है, और इसका होमवर्क आपके डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है।